ओके तो एरेज, सी में एरे जो होता है जनरली हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, एरे इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स टू स्टोर एट कंटिजुअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसी भी सिमिलर डेटा टाइप के आइटम्स को हम लोग स्टोर करते हैं विथ कंटिजुअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन होगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। लाइक जैसे कि मान के चलो मेमोरी लोकेशन है 2001, अगला मेमोरी लोकेशन होगा 2002, ठीक है, अगला मेमोरी लोकेशन होगा 2003, 2004, 2005। इस प्रकार से मेमोरी लोकेशन होगा, मतलब कंटिन्यूस जो एलिमेंट होंगे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव होंगे। एरेज आर द डिराइव डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन स्टोर द प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑफ डेटा सच एज इंट, कैर, डबल, फ्लोट एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोग देखते हैं जैसे इंट, कैर, डबल, फ्लोट, ठीक है, तो इसी से ही हम लोग अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके उसका हम लोग एरे बना सकते हैं। इट ऑल्सो हैज द कैपेबिलिटी टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिराइव डेटा टाइप्स सच एज पॉइंटर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, जनरली जो डिराइव डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स, ठीक है, तो ये सारे डिराइव डेटा टाइप जो होते हैं उसको भी इस मतलब पॉइंटर का भी हम लोग एरे बना सकते हैं। ठीक है, एरे को हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिराइव डेटा टाइप्स में भी हम लोग एरेज का यूज कर सकते हैं। द एरे इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रेंडमली एक्सेस बाई यूजिंग द इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एरे है वो एक ऐसा सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग किसी भी डेटा एलिमेंट को रेंडमली एक्सेस हम लोग कर सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर से। तो इंडेक्स नंबर हर एक एलिमेंट का हमारे पास अवेलेबल होता है। इंडेक्स नंबर भी मैंने बताया था कि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर हर एक एलिमेंट का 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके लिए एक एक इंडेक्स नंबर अलोकेट होता है। उसी इंडेक्स नंबर से हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं उसको। मीन्स ऐसा नहीं कि सिक्वेंशियली उसको एक्सेस करना है, हम लोग रैंडमली उसको एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम मीन्स कोई भी इंडेक्स को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर 5 को पहले एक्सेस कर लो, फिर 4 को कर लो, फिर 2 को कर लो, ठीक है, फिर 0 को कर लो, फिर 10 को कर लो, ऐसे मतलब रैंडम एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। सी एरे इज बेनिफिशियल इफ यू हैव टू स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट्स, देन वी डोंट नीड टू डिफाइन डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर द मार्क्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन डिफाइन एन एरे विच कैन स्टोर द मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एट कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, बाई यूजिंग द एरे वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ईजिली, ओनली फ्यू लाइन्स ऑफ कोड आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, जैसे कि हम लोग को अगर सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग को स्टोर करना है, जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि 6 सब्जेक्ट के मार्क्स है, ठीक है, सभी मार्क्स जो है वो नंबर्स में ही होते हैं, इंटीजर में होते हैं, कोई ऐसे पॉइंट में किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, राउंड फिगर कर दिया जाता है। ठीक है, आउट ऑफ 100 अगर हम लोग एज्यूम करके चलते हैं तो 50, 60, 70, 80, 78 कुछ भी ऐसा नंबर मिलता है। सभी का डेटा टाइप लगभग लगभग इंटीजर ही होता है। तो हम लोग उसके लिए अलग अलग वेरिएबल ना बना के हम लोग क्या करते हैं उसका एक एरे बना लेते हैं। एरे बनाने से क्या फायदा होगा कि हम लोग एक कंटिजियस मेमोरी लोकेशन पे हम लोग उस 6 सब्जेक्ट के वैल्यूज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं और उसको एक्सेस करना भी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। हम लोग को हर बार एक 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 वेरिएबल का नाम हम लोग को नहीं लिखना पड़ता, हम लोग सिंपली एक लूप लगाते हैं और सारे को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एरेज का यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एरे, द एरे कंटेन्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम डेटा टाइप एंड कैरीज द सेम साइज, दैट इज इंट इक्वल टू 4 bytes। ठीक है, अगर हम लोग एक इंटीजर का एक एरे बना रहे हैं, मतलब डेटा टाइप है उसका इंटीजर, उसका एक हम लोग एरे बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे
उतने एलिमेंट्स, सबका डेटा टाइप इंटीजर ही होगा, ठीक है, और सभी एलिमेंट्स का साइज सेम होगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सभी का डेटा टाइप सेम होगा, सभी का साइज सेम होगा, मतलब 4 bytes अगर ले रहा है तो 4 bytes ही हर एलिमेंट लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे आर स्टोर्ड एट कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट द स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस एरे के सभी कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सबसे पहला मेमोरी लोकेशन पे वो स्टोर होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग उसमें इंसर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आगे आगे वाले मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते जाएगा। तो यहाँ पे कंटिजियस मेमोरी लोकेशन को यूज करता है, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम मेमोरी यूज कर रहा है, पूरा का पूरा कंटिजियस मेमोरी लोकेशन को यूज करेगा। नेक्स्ट आता है, एलिमेंट्स ऑफ द एरे कैन बी रैंडमली एक्सेस सिंस वी कैन कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे विद द गिवन बेस एड्रेस एंड द साइज ऑफ द डेटा एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग जो एक्सेस करने की बात कर रहे हैं, एलिमेंट को एक्सेस हम लोग जनरली इंडेक्स नंबर से करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसी भी एलिमेंट का हम लोग एक एड्रेस जान सकते हैं। एड्रेस कैसे जानेंगे? उसके इंडेक्स नंबर। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी उसका डेटा टाइप सेम होगा, और एलिमेंट्स जितने भी होंगे सबका साइज सेम होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एलिमेंट स्टोर होंगे सब के सब कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में सेव होंगे। थर्ड, हम लोग इसको रैंडमली कोई भी एलिमेंट को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं विथ इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यही तीन प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी इस एरे को डिफाइन करती है। ओके, एडवांटेज ऑफ एरेज, ठीक है। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है कोड ऑप्टिमाइजेशन, लेस कोड टू द एक्सेस द डेटा। हम लोग यहाँ पे जो मल्टीपल एलिमेंट्स हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे सेम डेटा टाइप्स के, इसको एक्सेस करना भी उतना ही आसान होता है जितना उसमें वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 2 line की कोड 3 line की कोड हम लोग को लिखनी होती है, और हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसमें। हम लोग यहाँ कोड कम लिखते हैं, एक्सेस ज़्यादा करते हैं डेटा को, तो यहाँ से हम लोग का कोड ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो हमारे प्रोग्राम का वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 है ईज ऑफ ट्रैवर्सिंग, बाय यूजिंग द फॉर लूप वी कैन रिट्रीव द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इजीली, ठीक है। हम लोग फॉर लूप को यूज करके पूरे एलिमेंट को रिट्रीव हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं, मतलब एक्सेस हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ईज ऑफ सॉर्टिंग, टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे वी नीड फ्यू लाइन्स ऑफ कोड ओनली, ठीक है। हम लोग उस एलिमेंट को ईजिली सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट करना मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम लोग उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं बहुत ईजिली, वो भी हम लोग उसका भी हम लोग प्रोग्राम बना के देखेंगे। नेक्स्ट होता है रैंडम एक्सेस, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली यूजिंग द एरे, ठीक है। हम लोग एरे के जितने भी एलिमेंट्स है उसको रैंडमली एक्सेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर हमें पता होता है, उस इंडेक्स नंबर से हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज थे। अब एक डिसएडवांटेज होता है इसका, तो डिसएडवांटेज है फिक्स्ड साइज, ठीक है। एरे का डिक्लेयर जब हम लोग करते हैं तो वहां पे हम लोग को साइज देना होता है। अगर हम लोग उसमें 5 एलिमेंट डाल के 5 size दे दिए तो उसमें 5 ही एलिमेंट होंगे, हम लोग उसके साइज को एक्सीड नहीं कर सकते, मतलब बढ़ा नहीं सकते हैं। बस यही एक डिसएडवांटेज है कि उसका साइज फिक्स होता है। 5 अगर वहां साइज दे दिए मतलब 5 मतलब 5, 5 के अलावा छठवा अगर एलिमेंट डालेंगे तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। दिखेगा वहां पे जरूर लेकिन वो मेमोरी में सेव ही नहीं होगा, मेमोरी में स्टोर होगा ही नहीं, हो क्योंकि उसके लिए मेमोरी ही नहीं दी गई है।
ठीक है, तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है हमारे पास कि उसका साइज फिक्स होता है। ओके, हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग डेटा टाइप, देन उसके बाद एरे नेम, और इस टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग देते हैं एरे साइज। एरे साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कितने वहाँ पे रखने वाले हैं वो हम लोग देंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे इंट मार्क्स, मार्क्स और यहाँ साइज दे दिए 5। जस्ट लाइक हम लोग जो नॉर्मल वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं वैसा ही होता है, बस यहाँ पे एक साइज हम लोग दे देते हैं। साइज मीन्स उसके अंदर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं विथ सेम डेटा टाइप, इसीलिए हम लोग यहाँ पे साइज, अगर हम लोग यहाँ पे 5 दे दिए तो उसमें 5 एलिमेंट्स ही स्टोर हम लोग कर सकते हैं, 5 से ज्यादा वहाँ नहीं कर पाएंगे। ओके, देन आता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ सी एरे। ठीक है, इनिशियलाइज हम लोग बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक एक करके हम लोग कर सकते हैं विद इंडेक्स नंबर। लाइक यहाँ पे हम लोग ने डिक्लेयर कर लिया, अब इसको इनिशियलाइज हम लोग करेंगे। मार्क्स ऑफ जीरो, इंडेक्स नंबर हमेशा स्टार्ट होगा जीरो से। अगर यहाँ पे 5 है मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक जाएगा इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पे मार्क ऑफ जीरो, यहाँ पे हम लोग उसको 80 से इनिशियलाइज कर दिए। मार्क ऑफ 1 हम लोग उसको 60 से इनिशियलाइज कर लिए। मार्क ऑफ 2 हम लोग इसको 70 से इनिशियलाइज कर दिए। मार्क्स ऑफ 3 हम लोग उसको 85 से इनिशियलाइज कर दिए। मार्क्स ऑफ 4 को 75 से इनिशियलाइज कर दिए। अगर वो उसकी मेमोरी लोकेशन पे हम लोग नज़र डालें तो जो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, यहाँ पे इस टाइप से कंटिजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, ठीक है, मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4। ठीक है, 0 पे क्या इनिशियलाइज किए थे, 80, मतलब ये 80 यहाँ पे आ गया। मतलब जिस ऑर्डर में हम लोग उसको इनिशियलाइज करेंगे उस ऑर्डर पे उस यहाँ पे जाके स्टोर होते जाता है। मीन्स जो भी इंडेक्स नंबर, अगर मान के चलो यहाँ पे मार्क्स ऑफ 1 हम लोग नहीं देते, यहाँ से मैं इसको हटा देता, ठीक है, तो 1 जो है मार्क्स ऑफ 1 वो खाली होता। देन उसके बाद मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे सभी को इनिशियलाइज करते हैं, मीन्स कंटिजियस मेमोरी लोकेशन को ही यूज करें। खाली रखना है तो हम लोग लास्ट वाले जो एलिमेंट है उसको खाली रख सकते हैं। तो अगर वहाँ हम लोग खाली भी रखते हैं उसको, वहाँ कोई वैल्यू नहीं डालते तो वहाँ गार्बेज वैल्यू आ जाती है, और कुछ कुछ हम लोग को अजीब टाइप की वैल्यू हम लोग को वहाँ देखने मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ गार्बेज मतलब कचरा भर जाता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको इनिशलाइज कर सकते हैं। अब सेकेंड मेथड होता है कि हम लोग उसको इस टाइप से इनिशलाइज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट मार्क्स ऑफ 5 इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस हम लोग लगाएंगे, देन इसके बाद हम लोग इसमें पूरे एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा से सेपरेट करके डाल देंगे एक ही बार में, तो एक ही लाइन में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इन सच केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिफाइन द साइज, सो इट मे ऑल्सो बी रिटर्न एज द फॉलोइंग कोड इंट मार्क्स। और हम लोग यहाँ साइज दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अगर हमने नहीं दिया है और वहाँ पे 5 एलिमेंट्स को हमने स्टोर कर दिया है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका साइज हो जाएगा 5। ठीक है, अगर हमने 10 एलिमेंट्स यहाँ पे दिया है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज हो जाएगा 10। ठीक है, जितने एलिमेंट्स डालेंगे साइज उसका उतना ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, मेन में हम लोग चलते हैं मेन फंक्शन पे, और यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया आई, आई को इनिशियलाइज कर लिया 0 से। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। देन उसके बाद इंट मार्क्स ऑफ 5, यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर किया, यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ एरे, इस प्रकार से हम लोग एरे डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, देन उसके बाद मार्क्स ऑफ 0 इक्वल टू 80, मार्क्स ऑफ 1 इक्वल टू 60, मार्क्स ऑफ 2 इक्वल टू 60, मार्क्स ऑफ 3 इक्वल टू 85, मार्क्स ऑफ 4 इक्वल टू 75। इस प्रकार से हम लोग उसको इनिशियलाइज कर लिया। मीन्स हमारा एरे का साइज था 5, और 5 एलिमेंट से हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिए। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करना मीन्स उसको एक्सेस करना, इसको हम लोग ट्रैवर्सल ऑफ एरे बोलते हैं।
ट्रेवर्सल ऑफ एरे हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग के पास एकमात्र तरीका अवेलेबल है, फॉर लूप। फॉर लूप से अच्छा और कोई दूसरा तरीका दुनिया में अवेलेबल नहीं है और कर भी नहीं सकते हम लोग दूसरे तरीके से। ठीक है, तो हम लोग का इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो हम लोग इस लूप को भी स्टार्ट करेंगे 0 से। और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, आई इज लेस देन 5। आई को हम लोग इस लूप में चला रहे हैं और आई से ही हम लोग इस इंडेक्स को भी मैनेज करेंगे। मतलब आई को मान के चलो वो इंडेक्स है। देन उसके बाद यहाँ प्रिंटफ हम लोग किए, परसेंट डी स्लैश एन मार्क्स ऑफ आई। आई की वैल्यू 0 होगी, जो भी होगी, जैसे मान के चलो आई की वैल्यू है 0, तो मार्क्स ऑफ 0, मतलब मार्क्स ऑफ 0 मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। तो प्रिंट क्या करेगा, 80 प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो 80 प्रिंट हो गया है। ठीक है, देन उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, 1 जैसी हो जाएगी तो मार्क्स ऑफ 1 और वहां पे 60 प्रिंट करके मिलेगा। मार्क्स ऑफ 2 हो जाएगा, फिर 70 प्रिंट होगा। मार्क्स ऑफ 3 85, मार्क्स ऑफ 4। ठीक है, देन उसके बाद आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे एलिमेंट्स भी हमारे पूरे खत्म हो गए। तो यहाँ पे इस प्रकार से फॉर लूप से हम लोग इसको ट्रैवर्स कर लिए। तो यही एक तरीका होता है किसी भी वन डायमेंशनल एरे को या टू डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने के लिए, जो हम लोग इस फॉर लूप से करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट वन डायमेंशनल एरे, वन ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h हैश इंक्लूड कॉन io.h वॉइड मेन गेट ch, ऐसा हम लोग ने लिख लिया। और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, i int i बना लेता हूँ। इनिशियलाइज कर भी सकते हैं हम लोग, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ इनिशियलाइज। वैसे भी हम लोग लूप में इनिशियलाइज करेंगे तो छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, एक मैं एरे यहाँ डिफाइन करता हूँ, ठीक है, इंट मार्क्स मार्क्स ऑफ 5, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5। इस प्रकार से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, सॉरी डिक्लेयर कर दिया। ये है एरे डिक्लेरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे एरे डिक्लेरेशन। देन उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करते हैं। मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ एक एक करके, मार्क्स ऑफ 0 इक्वल टू मैं देता हूँ 80। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सिर्फ हम लोग वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं 1 और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 60। फिर से पेस्ट किया, यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स नंबर हम लोग दे देते हैं 2 और यहाँ पे दे देते हैं 70। ठीक है, इंडेक्स नंबर 3 हम लोग दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 85। 85 देन उसके बाद फिर से हम लोग लिखते हैं मार्क्स ऑफ 4 और यहाँ पे हम लोग देते हैं 75। 75 तो हमने यहाँ पे इस एरे को इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, देन उसके बाद हम लोग करेंगे इसको ट्रैवर्स। ट्रैवर्स मतलब एक्सेस करना। तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे इसको, फॉर लूप से। तो फॉर लूप हम लोग यहाँ लगाते हैं और लूप को स्टार्ट करते हैं आई इक्वल टू 0 से। देन उसके बाद आई इज लेस देन 5
फाइव, क्योंकि हम लोग को इंडेक्स नंबर फोर तक एक्सेस करना है, देन उसको आई प्लस प्लस हम लोग कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग सबकी वैल्यू को प्रिंट हम लोग कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिख देंगे। प्रिंट एफ हमने लिखा, देन उसके बाद यहाँ लिखे परसेंट डी। ओके, परसेंट डी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देन उसके बाद मैं इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स ऑफ परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। मैं यहाँ कॉमा देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा आई कॉमा मार्क्स ऑफ आई। ओके, तो यहाँ मार्क्स के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करते जाएगा और इक्वल टू उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट करते जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्लैश एन, तो हर बार न्यू लाइन में वो प्रिंट करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, 1D array.c, और मैं इसको करता हूँ कंपाइल, कोई एरर नहीं है, और मैं कर देता हूँ इसको प्रिंट। तो इस प्रकार से हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो इंडेक्स नंबर हम लोग जीरो में क्या इनिशियलाइज किए थे, 80, इंडेक्स नंबर वन में 60, इंडेक्स नंबर टू में 70, इंडेक्स नंबर थ्री में 85, इंडेक्स नंबर फोर में 75। इस प्रकार से हम लोग एक्सेस इसको कर लिए। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सल या फिर एक्सेसिंग ऑफ एरे और एक्सेसिंग ऑफ एरे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस एरे को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और ट्रैवर्स करते हैं।